नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति जायसवाल। आज के इस वीडियो में मैं एक अपडेट और दो गुड न्यूज़ लाई हूँ यूग्राम के बारे में। तो पहले मैं अपडेट बता देती हूँ कि यूग्राम से रिलेटेड नया अपडेट क्या है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूग्राम में इलाज कराना चाहते हैं कम से कम खर्च में। बहुत सारे लोगों का जो बजट है बहुत कम है। तो ऐसे में कुछ दिन पहले दो नियम आया था जिसके कारण से यूग्राम में इलाज कराना बहुत महंगा हो गया था। अब मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना चुकी हूँ, तो जब अब सस्ता हो चुका है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूँ। तो पुराने वीडियो के बारे में बात करती हूँ, उस समय दो नियम आया था कि मिनिमम जो 7 दिन की जो बुकिंग करनी रहती थी, तो मिनिमम 7 दिन की जगह 10 दिन की बुकिंग करनी पड़ी थी। यानी मिनिमम 10 दिन के लिए कम से कम आपको 10 दिन की बुकिंग करनी ही पड़ेगी, ये पुराने नियम के अनुसार था। और दूसरा नियम आया था जो मिनिमम 3,000 जो रूम चार्जेस था वो बढ़ा करके 4,000 कर दिए गए। तो इसमें कुछ चेंजेस आए हैं जिसके वजह से यूग्राम इलाज कराना पहले से अब सस्ता हो गया। मैं इस बारे में बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी अपडेट को लेकर के कि यूग्राम को लेकर के नया अपडेट क्या है। तो इंस्टाग्राम में और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल पूछे जाते थे, और उसमें से एक जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल था वो ये था कि वो शिविर बुकिंग करना चाहते हैं, क्योंकि मैं अक्सर बहुत सारे वीडियो में बताती थी कि आप टेंट कॉटेज में बुकिंग कर सकते हैं, शिविर बुकिंग चल रही है और अभी आपको वहाँ पर रूम मिल जाएगा। क्योंकि 6-6 महीने तक यूग्राम का कोई रूम खाली नहीं था, फुल बुकिंग चल रही थी। सब लोग जा रहे थे वेबसाइट में www.yugram.divyayoga.com, ये वेबसाइट है यूग्राम का। तो जब वो इस वेबसाइट में जाते थे उनको 6-6 महीने तक कोई रूम मिलता ही नहीं था। तो ऐसे में मैं वीडियो में बताती थी कि शिविर बुकिंग कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रूम मिल जाएगा। अब जल्दी से जल्दी इलाज कराना चाहते हैं आप वहाँ पे जाइए, आपको रूम मिल जाएगा। तो उनका सवाल ये था कि जब यूग्राम के वेबसाइट में जाते थे तो उनको शिविर बुकिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं दिखता था, यानी कि टेंट कॉटेज का बुकिंग का उनको कोई ऑप्शन नहीं दिखता था। तो यही अपडेट है कि जब आप यूग्राम के वेबसाइट में जाएंगे तो अब आपको वहाँ पे बाकी जो रूम है उसके साथ आपको टेंट कॉटेज का भी बुकिंग का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो आज के डेट में 135 टेंट कॉटेज खाली है। आज के डेट में, आज है 1 मई, तो 1 मई को आपको 135 टेंट कॉटेज आपको खाली मिलेगी। और अब दो गुड न्यूज़ के बारे में बात करती हूँ। तो पहला गुड न्यूज़ ये है कि जैसे कि मैं अभी बताई कि 6-6 महीने तक कोई रूम उनको खाली दिखता नहीं था, फुल बुकिंग दिखती थी। तो अगर आप आज के डेट में भी अगर रूम चाहते हैं महर्षि कुटिया, तपस्वी कुटिया, तो तपस्वी कुटिया, महर्षि कुटिया, टेंट कॉटेज तीनों का जो मिनिमम जो रूम चार्जेज है वो 4,000, तीनों का सेम है, तीनों का मिनिमम 4,000 पर डे के हिसाब से लिया जाता है। और आज के डेट में मैं जब वेबसाइट में गई तो मुझे दिख रहा है कि महर्षि कुटिया का भी रूम खाली है, तपस्वी कुटिया का भी रूम खाली है, यानी कि अब आपको रूम मिल जाएगा। 6 महीना आपको वेट करना नहीं पड़ेगा अगर आप अभी के अभी यूग्राम में इलाज कराना चाहते हैं। तो एक और जो गुड न्यूज़ है वो है यूग्राम में इलाज कराना पहले से सस्ता हो गया। तो कैसे, तो यही मैं आपको बताने वाली, जो नियम बदला था कि आप अब मिनिमम 10 दिन की बुकिंग कर सकते हैं, वो नियम वापस फिर से चेंज हो गया है। आप जब यूग्राम के वेबसाइट में जाएंगे, रूम अवेलेबिलिटी में आप जब जाएंगे तो अब आप पाएंगे कि अब मिनिमम 7 दिन की बुकिंग का वहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। पहले वहाँ पे मिनिमम 10 दिन की बुकिंग का ऑप्शन दिखता था, लेकिन अब वहाँ पे मिनिमम 7 दिन का बुकिंग का ऑप्शन दिख रहा है। यानी कि अब आपको 10 दिन का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अब आप चाहते हैं कि कम से कम आप 7 दिन की बुकिंग करना चाहते हैं, वो ऑप्शन आपको वहाँ पे दिख जाएगा। आपको महर्षि तपस्वी का भी रूम मिल जाएगा, टेंट कॉटेज तो 135 है तो ये आपको मिल जाएगा। तो कैसे आपको इलाज कराना है, रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का वीडियो मैं चैनल पे डाली हूँ, आप वहाँ पे सर्च कीजिए यूग्राम जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। ये टाइटल अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो मैं हूँ दीप्ति जायसवाल, मैं इस तरह की वीडियो अक्सर लाते रहती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नमस्कार।